आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की पार्टी में हैसियत है क्या, पहले ये पता लगाओ। वो भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी मेंबर सिर्फ, और ये फैसले लेने का काम जो होता है पार्टी हाईकमान करता है। हाईकमान है जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी साहब, और हमारा हाईकमान कोई है तो मैं हूँ या दुष्यंत है या हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसला करना है। वीरेंद्र सिंह जी किस हैसियत से कहते हैं, क्या उनकी हैसियत है, पहले वो स्पष्ट करें। और वो हैं किसके साथ मुझे तो यही नहीं पता, कभी किसी के स्टेज पे चले जाते हैं, कभी किसी के चले जाते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिलेगी वो आजाद चुनाव लड़ेगी। तो लड़ लेगी, प्रजातंत्र में हम किसी को रोकते थोड़े हैं, सबका अधिकार है, लड़ो। पीछे भी लड़ा था उन्होंने। आपका क्या मन है? मैं तो पहले डिक्लेयर कर चुका, माँ में शायद मेरी कानूनी पेचीदगी हट जाए तो स्थिति में मैं लड़ूंगा, अन्यथा अगर कोई दिक्कत आई तो दिग्विजय को लड़ाएंगे। आज सभी राजनीतिक दल अपना अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, और कहने के लिए तो वो 10 की 10 लोकसभा सीट और सरकार बनाने की पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और वो तो प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है, निर्णय तो चुनाव में होगा। मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, सभी लड़े, खुला मैदान है, किसके लिए पाबंदी थोड़ा ही है कोई। मैंने तो पहले भी पूछा था कि चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, पहले वो ये तो बता दे कोई एमसी है क्या उनका वहाँ पे, कोई ग्राम पंचायत का सरपंच है क्या वहाँ पे उनका। कहना बड़ा आसान होता है, फील्ड में क्या है स्थिति वो तो वहाँ की जनता जानती है।